हाय गाइस, वेलकम बैक अनु व्लॉग। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन बटन को। हाय गाइस, वेलकम बैक अनु व्लॉग। मैं फेशियल कर चुकी हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट डिलीट हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इसका बॉक्स है, पपाया फेशियल मिनी ट्रीटमेंट किट फॉर ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन। ओके, तो ये लिया था मैंने 225 रुपये का, 225 रुपीज़ का। और इसके साथ एक 65 ml का फेस वॉश फ्री भी है। ये इस तरह से कुछ निकल कर आएंगे। ये सब के बारे में मैं जब फेशियल करूँगी तब आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। और अभी मैं ये दिखा देती हूँ जो आपको फ्री में मिल रहा है फेस वॉश। इस तरह से है ये इस तरह से है। बहुत हल्की हल्की और भीनी भीनी इसकी फ्रेग्रेंस है। काफ़ी ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे मीडियम लगा, एवरेज। इससे पहले मैं बता दूँ, मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। आपको ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से इस पर ये स्पेस है और आप इस तरह से इनको ये इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा पैकेजिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके फर्स्ट स्टेप में है पपाया मिल्क क्लींजिंग क्रीम और ये कुछ हल्के ऑरेंजिस कलर में है। अब हम इस क्रीम से मसाज करते हैं। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है चेहरे पर, देखते हैं ये कितना इफेक्टिव है। ये मेरा फर्स्ट यूज़ है, इसके बाद मैं एक दो बार और इसको ट्राई करके देखूंगी, फिर एक पोस्ट डालूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कितना इफ़ेक्टिव रहा ये। अभी फ़िलहाल इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती कि कितना है, ये करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, कैसा लगता है। एकदम तो नहीं रिज़ल्ट मिलेगा बट ट्राई करते हैं। क्रीम काफ़ी क्रीमी है, ज़्यादा स्टिकी नहीं है, सॉफ्ट है, जैसे बॉडी लोशन होता है इस तरह की है। मेरी फोरहेड पे तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, ज़्यादा सनलाइट में रहने की वजह से ये स्किन मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्न हो गई है। आई होप इससे अच्छा रिजल्ट मिले। इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे 3 to 5 मिनट आपको मसाज करनी है। जहाँ आपका पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ आप ज़्यादा मसाज कीजिएगा, और पानी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें। मुझे बीच बीच में थोड़ा सा ही पानी लेना पड़ रहा है, तो अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पानी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया है, और फेस वॉश करने के बाद आप जो भी टॉवल या हैंकी यूज़ करते हैं वो हमेशा साफ़ सुथरा यूज़ करें, गंदा ना हो इस बात का जरूर ध्यान रखें, वरना इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पोर्स क्लीन हो रहे होते हैं, ओपन हो गए होते हैं जब आप मसाज करते हैं, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकेंड है आपका एंटी ब्लेमिश क्रीम, और अब हम ये यूज़ करेंगे। ये हल्का येलो इस कलर का है। मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं आफ्टर डिलीवरी, बहुत ज़्यादा आपको गर्म चीज़ें खाने को दी जाती हैं, तो मेरे तो इतने ज़्यादा पिंपल्स स्टार्ट हो गए फिर से, बहुत ज़्यादा। तो पूरे फेस की तो बैंडी बजी रखी है बिल्कुल गंदी वाली, तो आप मेरे फेस पर पिंपल्स को मत देखिए, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको ध्यान दीजिए। तो जिन लोगों की डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि गर्म चीज़ें खाते तो ऐसा हो जाता है। हल्का हल्का सा आप रोज़ वाटर या पानी लगाकर मसाज कीजिएगा। फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है, हार्ड नहीं है बहुत।
की मसाज जो हमें बताई हुई है वो 10 से 15 मिनट तक हमें करनी है। किस तरह से मसाज करनी होती है फेशियल करते टाइम, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। तो मैं अपनी मसाज कर कर 10-15 मिनट बाद फेस वॉश करके फिर आपको दिखाऊंगी। फेस वॉश कर लिया है मैंने, अब हम इसके थर्ड स्टेप को करेंगे यानी कि स्क्रब को करेंगे और वो हमें 3 to 4 मिनट तक करना है। एकदम जेल जैसा है, कलर बहुत प्यारा है इसका और बहुत हल्के नमक के जैसे ग्रेनुल्स हैं इसके अंदर। तो अब हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब करते टाइम याद रखिए आप अपने फेस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, बहुत हल्के हाथ से आपको स्क्रब करना है ताकि जो आपके ऊपर के लेयर है वो डैमेज ना हो। हल्का सा वाटर लेंगे जिधर आपके व्हाइट हैंड्स और ब्लैक हैंड्स हो रहे हैं उधर साइड आप ज़्यादा स्क्रब कीजिए। तीन से चार मिनट तक आप मसाज कीजिए उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। मैंने फेस वॉश अपना कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में एक हैंकी डिप करेंगे, स्क्वीज करके उस अपने फेस पर कुछ टाइम के लिए रखेंगे 30 सेकेंड के लिए, कि जो ब्लैक एंड्स रिमूवर होता है आप इससे अपने ब्लैक एंड्स वगैरह निकाल लीजिए। मैं अपने ब्लैक एंड्स वगैरह निकाल कर फिर आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। अब हम इसका फोर्थ स्टेप करेंगे, इसमें इसका पैक है डी पिगमेंटेशन के लिए। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे और ये 10 to 15 मिनट तक हमें रखना है। इस फेशियल किट की एक ख़ास बात ये भी है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी सी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रही। अब हम इसे 10 to 15 मिनट तक रखते हैं, ड्राई होने देते हैं, उसके बाद वॉश करेंगे। अब ये ड्राई हो गया है, मैं इसे वॉश करके आती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो फोरहेड का पिगमेंटेशन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा कम हो गया है। ये फेशियल किट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एक तो बजट फ्रेंडली है तो आप इसे एक बार लेंगे तो ये 2 से 3 बार चल जाएगा, इसमें इतनी बड़ी ट्यूब्स हैं और रिजल्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है आप कह सकते हैं कि बेकार है। गाइस अगर मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिखाएगा उसे टच कीजिएगा, फिर घंटी बनकर आएगी फिर उसे टच कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। Bye guys!